सब मुमकिन है। यहाँ पर एक तरह प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और वही पर घोषणा हो गई कि देश की पहली बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, यही तो हिंदुस्तान है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। मंदिर भी हमारा, मस्जिद भी हमारी, गुरुद्वारा भी हमारा, चर्च भी हमारा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का परिवार है ये मुल्क, और इसलिए भव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद आप देखेंगे कि भारत देश की सबसे बड़ी मस्जिद शरीफ का निर्माण भी होने जा रहा है, और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो इमाम काबा हैं उनको निमंत्रण भेजा है। सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, और जो यूनाइटेड अरब अमीरात के जो बादशाह हैं उनको भी न्योता इनविटेशन गया है, और आप देखेंगे कि मई महीने में और भव्यता आपको नजर आएगी। आज 22 जनवरी को दिवाली मनाई गई है, मई महीने में ईद का जश्न होगा। क्या बात है सर, प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो हर समुदाय के लोग, हमारा हिंदुस्तान ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। ये हमारा हिंदुस्तान अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब का भी हिंदुस्तान है, ये हम सब का है। सवाल उठ रहे थे पर मोदी जी, सलामती के लिए काम करना यह हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, फिर वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, वो फर्क नहीं पड़ता। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, तभी तो ये एक परिवार की जनता भी हमारी, तभी तो एक परिवार है जम्मू कश्मीर की जनता। इसलिए जम्मू और कश्मीर ने भी जश्न मनाया, और जम्मू एंड कश्मीर मई में भी जश्न मनाएगा। चलिए सर, आज तो सवाल नहीं करेंगे, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आओ रश्मि जी, सबसे पहले आपसे ही इसकी हम शुरुआत करते हैं। आप एक बहुत देशभक्त पत्रकार हो, मैं हमेशा आपको नमस्कार करता हूं। जय हिंद जी, हिंदुस्तान जी सर, आओ जी, नीलम जी आपने मेरा डांस किया, दिलीप सिंह परिहार, चाय भी है, आप जमाना परिहार